खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली एक पत्र और बड़ा सुंदर है, बड़े ध्यान से सुनिएगा गुरुदेव। दो हजार नौ में ललितपुर के ग्राम भरोनी देलवारा में मेरी बहन का ब्याह हुआ है, जिसका नाम सोनू बुंदेला है। गुरुदेव, 2009 से आज तक मेरी बहन का गर्भ नहीं ठहरा। गुरुदेव, 2009 के बाद मेरी बहन के घर संतान की प्राप्ति नहीं हुई। 22 साल हो गए थे गुरुदेव, और बाबा का एक लोटा जल और पशुपति व्रत से मेरी बहन के घर में 22 साल के बाद बच्चा आया है, जिसका मैं फोटो लगा रहा हूं। 22 वर्ष 2009 के बाद संतान की प्राप्ति नहीं। ये शिव तत्व, ये उपघड़ी, ये शिव। खाली न जाता दर से मैं भी खड़ा हूँ, अपने हृदय लगा लो कि राजा रहा बीस वर्ष के बाद बाबा ने जो संतान दी है, बहुत बहुत एक बार जोरदार ताली बजाकर। कहाँ है विश्वास जी? विश्वास जी सारंग जी कहाँ है? इसको आप भी गोदी में लो, ये शंकर जी का प्रसाद है। 20 साल के बाद इधर, 20 वर्ष के बाद, 20 साल के बाद बाबा ने दिया है। जोरदार ताली बजाएं, बहुत बहुत साधुवाद। खाली न जाता दर से तुम्हारे, खड़ी अपने हृदय लगा लो राजा हो। ये मतलब खुश हो, बाबा ने दे दिया ना, यही बाबा की कृपा। शंभू, अरे लुटा दिया भंडार, कर दिया माला काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया माला काशी वाले, लुटा दिया लुटा दिया कर दिया माला। शिव की करुणा हो, किसी को 22 साल, किसी को 20 साल, ये आपका विश्वास। फिर कहेंगे हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने से सरकार का फायदा नहीं, फायदा आपका है। शंकर को लोटा भर जल चढ़ाने से सीओर वाले महाराज का फायदा नहीं, फायदा आपका है। आप चढ़ाओगे, ये उसकी कृपा, ये उसकी दया, ये उसकी उदारता। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, तारकासुर
कि प्राण हरने के लिए सदानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ है, पर वो तो आपका भजन करते हैं, वो तो आपका गुणगान करते हैं। अब जब वो आपका भजन करते हैं तो फिर तारकासुर का संहार क्यों? शिव जी ने कहा, सुनो पार्वती, ये तारकासुर कोई साधारण नहीं है। पार्वती, ये तारकासुर सबका द्रोही है, पर मेरा भजन करता है, इसी ने तो वर मांगा था कि अगर मरूंगा तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूंगा, क्योंकि ये चाहता था कि मेरी शादी हो जाए। ये चाहता है कि मेरा विवाह हो जाए, मेरी शादी हो जाए। जो आपके लिए अच्छा चाहता है वो दुनिया में आपको हमेशा अच्छा ही लगेगा। जो आपके लिए अच्छा चाहता है वो आपको हमेशा अच्छा लगेगा। जिसके भीतर आपके प्रति अच्छा एनर्जी है, बल है, जिसके प्रति आपके हृदय में, आपके हृदय में, दूसरे के हृदय में जिसके प्रति एक दूसरे के प्रति भाव होता है, वो कभी गलत नहीं है। तारकासुर मरेगा जरूर, क्योंकि ये देवताओं का द्रोह, शिव का कोई दुश्मन नहीं है, शंकर भगवान का कोई द्रोही नहीं है। कई लोग कथा में कह देते हैं भस्मासुर शंकर भगवान को भस्म करना चाहता था। अरे भस्मासुर था कौन? कौन था? शंकर का उपासक, शिव का भक्त। एक बार भस्मासुर ने सुन लिया था शंकर भगवान को काय से प्रसन्न करना चाहिए, तो किसी ने कह दिया शंकर भगवान पे भस्म चढ़ाओ, शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। अब भस्म कहां से लाऊं? रोज मुर्दे की भस्म लाता, शंकर भगवान को चढ़ाता, प्रसन्न शंकर जी आनंदित हो जाते। अब एक बार मुर्दे की भस्म ढूंढने के लिए गया, कोई मुर्दा ही जलता हुआ नहीं मिला, तो टेंशन में आ गया कि मुर्दा ही नहीं मिल रहा जलता हुआ। उस भस्मासुर ने चिता लगाई और अपनी पत्नी से कहा, एक काम करता हूँ, मैं खुद जलकर भस्म हो जाता हूँ, मेरे महादेव को मेरी भस्म चढ़ा देना। पत्नी पति से कहती है, तुम काय को जलकर भस्म होते हो? शंकर भगवान की सेवा करना है तो शंकर भगवान से कहो ना कि दूसरी कंपनी का माल बुलवाने से अच्छा है कि हमारी खुद की भस्म बनाने की फैक्ट्री खोल दो। पति को समझ में नहीं आया कि भस्म बनाने की फैक्ट्री कैसी। पत्नी ने कहा, तुम शंकर भगवान की आराधना करो, शंकर जी से कहो, रोज रोज मुर्दे नहीं मिलते, रोज रोज भस्म नहीं मिलती, रोज रोज कोई मरता नहीं है, इसलिए आप हमको वर प्रदान कर दो कि हमारी खुद की फैक्ट्री चालू हो जाए। शंकर भगवान भी अचंभे में पड़ गए, तुम्हारी कैसी फैक्ट्री? भस्मासुर कहने लगा, जिस पे भी हाथ रखे वो भस्म हो जाए, भस्म तैयार होगी, तुमको चढ़ा देंगे, खुद की फैक्ट्री चालू, दूसरी कंपनी का माल ही नहीं लाना पड़ेगा। शंकर भगवान तो भोले भाले, उन्होंने कह दिया तथास्तु, जिस पे हाथ रखेगा वही भस्म। भस्मासुर पहुंच गया घर पर, पत्नी से कहा, मैं बड़ा प्रसन्न हो गया, तुझे गले लगाना चाहता हूं। पत्नी को मालूम था इसको आशीर्वाद मिला है, जिसको भी हाथ रखेगा बस। पत्नी ने अपने पति से कहा, शंकर जी हैं, नशे में रहते हैं, भरोसा नहीं है, हर किसी को आशीर्वाद दे देते हैं, हो सकता है तुमको भी बेवकूफ बना दिया हो, फैक्ट्री चालू करने से पहले एक बार प्रैक्टिकल कर लो, शंकर जी पे हाथ रख के देख लो, उन्हीं पे हाथ रख। बस बस तो बोला, बोला का भगत बोला, दौड़कर शंकर जी के पास गया। शिव जी ने पूछा, क्या चाहता है? अब तो तेरी फैक्ट्री चालू हो गई शंकर भगवान,
मेरे को आपके ऊपर हाथ रख के देखना है। मेरी पत्नी बोल रही थी तुम कभी कभी गड़बड़ आशीर्वाद दे देते हो। शिव जी बोले दादा मैं ही मिला था, शंकर भगवान आगे भस्मासुर पीछे, भागते गए भागते गए भागते गए, भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। नारायण जी चरण दबा रहे थे लक्ष्मी जी से, शंकर जी को आता हुआ देख कर बैठ गए। भगवान ने पूछा क्या हुआ, भस्मासुर आ रहा है। कौन भस्मासुर? उसकी खुद की फैक्ट्री चालू हो गई, जिस पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। भगवान विष्णु बोले तो मेरे पास काय को ले आया प्रभु, मेरे पास क्यों लाए हो? हाथ रखने के लिए आया। शंकर भगवान तो शेषनाग के पीछे, लक्ष्मी जी अंदर, नारायण अकेले। भगवान विष्णु ने देवऋषि नारद को बुलाया तो नारद भी नहीं आ रहा, हाथ रख देगा तो कोई नहीं आता। विपता की घड़ी में कोई नहीं आता। तब भगवान शंकर भगवान पीछे से चिल्ला कर बोले प्रभु आपने मोहिनी रूप धारण करा था, एक बार फिर धर लो, ये स्त्री के चक्कर में पड़ जाएगा तो पूरी फैक्ट्री आग लगा देगा। नारी एक ऐसी होती है जो अच्छी अच्छी फैक्ट्री में ताला डलवा देती है, अच्छी अच्छी फैक्ट्री। बस तुम स्त्री का रूप रख लो। भगवान विष्णु ने स्त्री का रूप रखा, भस्मासुर आकर देखा क्या सुंदर है, इतनी सुंदर। भस्मासुर ने कहा मैंने इतनी सुंदर नारी कभी नहीं देखी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, पहली बार मैं प्रपोज कर दिया, पहली बार मैं तुमसे शादी कर। भगवान बोले कोई बात नहीं, तुम्हारी सुंदरता देख कर मैं भी शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो, तुम्हारी इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतने बड़े कंपनी के मालिक से शादी क्यों ना करूंगी, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। पर शर्त एक है, तुम्हारी कंपनी से मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा नाचने का बड़ा शौक, मेरे बराबर का नाचने वाला चाहिए। भस्मासुर बोला मेरे जैसा तो दुनिया में कोई नाच ही नहीं सकता। अब जिसको शादी करना रहती है वो तो 25 बार बोलता है ना। एक लड़का अटक के बोलता था उसकी शादी नहीं हो रही थी। घर के लोगों ने कहा लड़की वाले आए हैं, तुम बिल्कुल नहीं बोलो, सारी बात हम करें। ठीक ठीक मैं क्या करूंगा? माँ ने कहा तुम एक काम करो, आज मेहमान आए हैं तो हमने तुम्हारी शादी पक्की हो जाए उसके लिए सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई है, तुम बैठे बैठे केवल पंजेरी खाना। सत्यनारायण भगवान का वो आटा सिका हुआ 70 मिली हुई पंजेरी खाना। कोई बोलेगा भी नहीं क्योंकि तुम खाने में लगे रहोगे तो कोई पूछेगा भी नहीं। ठीक। अब ये पंजेरी खाने में लगा था, मुंह में भरी थी पंजेरी, इतने में एक ने तो पीछा ही पकड़ लिया, साहब आपका नाम क्या? बार बार पूछे नाम क्या, नाम क्या, नाम क्या, नाम क्या, नाम क्या। अभी अटक के तो बोलता था तो ये चालू हो गया, फूल चल चल चल, पूरी पंजेरी मुंह पे फूल चल चल। रिश्तेदारों ने सोच लिया बहुत लंबा फूल चंद है, 3 मिनट से फू फू कर रहा, तब जाके चंद निकला। अपनी लड़की का नाम सुंदरी है, अगर एक बार ऊपर अटक गया तो बस एक ही काम करता रहेगा, ब्याह नहीं करना। अरे देख लिया और सब मतलब किया। भगवान बोले स्त्री का रूप धर कर बोले मेरे को नाचने का शौक है, जो मेरे साथ नाच लेगा मेरी बराबरी का मैं उससे शादी कर लूंगा। भस्मासुर बोला मुझे तो आता है, भस्मासुर बोला मुझे आता है। अब जिसको शादी करना है, जिसको नौकरी चाहिए, नौकरी वाला व्यक्ति, एक जगह एक लड़का कंपनी में गया, कंपनी के मालिक ने पूछा तुम्हें गाड़ी चलाना आती है? 2-व्हीलर आती है, 6 साल का एक्सपीरियंस, 6 साल, ठीक ठीक 4-व्हीलर, अरे मैंने कोर्स करा है मुझे आता है, 2 साल से लगातार चला रहा हूँ,
बस चलाना आती है? ओ बस तो हमारे पिताजी भी चलाते, हम भी चलाते। कभी कंपनी के काम से मान लो तुम्हें ट्रेन चलाना पड़ जाए तो? वो तो हमने दो साल पहले तीन साल पहले बहुत चलाई। और मान लो कंपनी के काम से तुम्हें एरोप्लेन लेकर जाना पड़े तो? वो तो हमने पूरा कोर्स करा है, पहले मैं पायलट ही था और मेरे दादाजी भी पायलट थे। और मान लो तुम्हारी नौकरी लग रही है और कंपनी के काम से तुम्हें कहीं भेजा जाए और थोड़ा झूठ बोलना पड़ जाए तो? उसने कहा वो तो हम अभी आधे घंटे से कर ही रहे हैं, आधे घंटे से झूठ ही तो बोल रहे। बस मजदूर ने कहा तुम नाचो हम नाचना। अब भगवान विष्णु ने हाथ करा ऐसा, बस मजदूर ने भी हाथ करा ऐसा, भगवान विष्णु ने हाथ करा ऐसा, भस्मासुर ने भी हाथ करा ऐसा, और भगवान विष्णु ने हाथ रखा ऐसा, भस्मासुर ने भी हाथ रखा ऐसा, कंपनी बंद। इसलिए निवेदन है, खुद की धर्म पत्नी अगर घर में है तो उसका सम्मान करो, वो चार कंपनियां ज्यादा खुलवा देगी। श्रीमती प्रसून जी सारंग जी धन्य, जिन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया, जिस बेटे ने ये पावन शिव महापुराण की कथा को कराकर संपूर्ण राष्ट्र का उत्थान करवाया, धन्य कुल, धन्य परिवार, धन्य सहज नहीं, ये पूर्व का हमें जो मिला है उसका हम सदुपयोग करते चले। बहुत ध्यान देना महाराज, बहुत ध्यान। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, वो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तो ही जैसा किया तूने, तेरे आगे मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, हम अच्छा कर्म करेंगे मिलेगा, हम अच्छा पुण्य करेंगे मिलेगा, हम अच्छा भजन करेंगे मिलेगा। एक बच्ची ने लिखा पत्र, मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे यहां कभी संतान नहीं होगी। पत्र दे, मेरा नाम मनीषा चोटेले है, मैं एकतापुरी कॉलोनी अशोका गार्डन में रहती हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए, कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम मनीषा चोटेले है, मैं एकतापुरी कॉलोनी अशोका गार्डन में रहती हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अशोका गार्डन में रहती हूं। मैं बाबा की कृपा का क्या बखान करूं महादेव, पर मेरा पूरा भरोसा हो गया गुरुदेव, बड़ी कृपा। मेरी बहन करिश्मा की शादी को 5 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं। जितने डॉक्टरों को दिखाया सभी डॉक्टरों ने बताया कि आपको संतान का सुख नहीं हो सकता,
क्योंकि आप में कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण बस संतान का सुख नहीं होगा। सारे ट्रीटमेंट करवाए, संतान का सुख नहीं हुआ। टेस्ट बेबी करवाया, संतान का सुख नहीं हुआ। जब टेस्ट बेबी करवाने के बाद भी संतान का सुख नहीं हुआ, तब आखिरी में हार कर बैठ गए। हमारे किसी परिचित ने कहा, एक छोटी सी क्लिपिंग व्हाट्सएप पर भेजी जिसमें शिव महापुराण की कथा आपकी आई, वो देखना चालू करी। हमने हमारी बहन को भेजा, बहन ने पशुपति व्रत निकाला, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, शंकर जी को लोटा भर जल चढ़ाकर पीना चालू करा और बाबा की कृपा से उसका गर्भ ठहर गया। 17 जनवरी 2023 को मेरी बहन के यहाँ संतान की प्राप्ति हो गई, जिसका मैं फोटो लगा रही।